आई E5 की देवता फील्ड, E5 की जो देवता फील्ड है वो सूर्य की देवता फील्ड है। सूर्य इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, सूर्य इज द कंट्रोलर, सूर्य को सूर्य इज आल्सो बीइंग कंसीडर्ड एज द वन ऑफ द 12 आदित्यास। जो 12 आदित्य थे उनमें से एक आदित्य सूर्य को भी माना जाता है। सूर्य जो है जगत का जन्मदाता या कि सोल है, पूरी आत्म कारक है, आत्मा है। सूर्य गार्डियन पावर है, सूर्य कंट्रोलर है सिस्टम का। सूर्य को 9 प्लैनेट के अंदर, सूर्य को स्टार, एक स्टार की पोजीशन मिली है। 9 प्लैनेट में एक प्लैनेट की पोजीशन मिलती है अपने आप में। सूर्य सोलर सिस्टम है। सूर्य सूर्य जो है एक अपने आप में एक एनर्जी पावर है, क्योंकि ये सूर्य अपने आप में ही प्राण ऊर्जा है। सूर्य आत्म कारक है। सूर्य को सूर्य नमस्कार करना चाहिए, वर्शिप के माध्यम से किया जाता है। सूर्य को ऑस्पिशियस रूप से गायत्री मंत्र का सूर्य के लिए पाठ भी किया जाता है। सूर्य को 7 घोड़ों पे दर्शाया जाता है। सूर्य को दिखाया जाता है राइडिंग ऑन द 7 हॉर्सेस। सूर्य इज कंसिडर एज दी गार्डियन ऑफ द वर्ल्ड, पूरे संसार की एक गार्डियन के रूप में सूर्य को दर्शाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य की 1000 आंखें, जिसमें से 1000 रेज निकल रही हैं, इतनी पावर सूर्य में से निकल रही है, ऐसा माना जाता है। सिंबॉलिकली इसको डिनोट किया जाता है। सूर्य को माना जाता है कि सूर्य इज ए कैपेसिटी टू ऑब्जर्व, कैपेसिटी टू सी दी फार साइडेडनेस कैपेसिटी, ऐसा माना जाता है। सूर्य ऐसा माना जाता है इज टू इज टू सूर्य को ऐसा माना जाता है इट इज द पावर टू गेन कंट्रोल, इट इज द पावर ऑफ द वर्ल्ड। सूर्य को ऐसा रिलेट किया जाता है। सूर्य जो है देवता फील्ड, E5 की देवता फील्ड है। अगर ये देवता फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग देवता फील्ड है, क्योंकि सूर्य में आग है, सूर्य में अग्नि है, सूर्य में तेज है, सूर्य में प्रकाश है। सूर्य की जो विशेषता है इस देवता फील्ड को सीधा सीधा रिलेट करती हैं। ये देवता फील्ड अगर इम्बेलेंस हुई तो घर के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाती है, क्योंकि सूर्य आक्रामक है। उस घर में लोग एक दूसरे से आक्रामक बिहेव करते हैं। वो लोगों का वहां पे बिहेवियर पैटर्न आक्रामक रूप एग्रेसिव होता है। बात बात पे गुस्सा, बात बात पे झगड़ा, बात बात पे चिड़चिड़ापन। बट यही अगर सूर्य की देवता फील्ड बैलेंस होती है किसी घर में, तो नेगेटिविटीज को दूर रखती है, हर प्रकार की नेगेटिविटी को कंट्रोल में रखती है, क्योंकि सूर्य अथॉरिटी है, सूर्य पावर है, सूर्य कंट्रोलर है, तो हर चीज को कंट्रोल में। सूर्य सेल्फ स्टीम है। सूर्य के अंदर एक विल पावर है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है सूर्य के अंदर। सूर्य के अंदर एक प्रकार से जो उसके अंदर जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि सूर्य तो इंस्टेंट डिसीजन है। मतलब इट्स अ स्टेट डिसीजन, ऐसा नहीं है यस नो मे बी मे नॉट भी, नहीं है। सूर्य इज अ स्टेट डिसीजन। सूर्य इज बीन कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ यम एंड फादर ऑफ यम एज वेल एज द प्लैनेट शनि को सूर्य का पिता माना गया है। तो यम का और शनि का, दोनों का पिता। शनि को भी यमराज ही माना जाता है, और यम यमराज अपने आप में है। तो दोनों को सूर्य सूर्य दोनों का सूर्य को सूर्य उनका पिता माना गया है, ऐसा माना गया है। सूर्य और शनि दोनों एक ही जोन में नहीं आते, एक ही जोन में इकट्ठे नहीं होते, एक जगह पे इकट्ठे नहीं होते। एस्ट्रोलॉजिकली भी हम देखते हैं तो इसलिए सूर्य की जोन में शनि की वस्तुएं कामयाब नहीं होती, वहां पे दिक्कत देती हैं। विच मीन्स अगर प्रॉपर ईस्ट में हम शनि की वस्तुएं रखते हैं, काला रंग, काली चीजें, और शनि का लोहा लंगड़ का सम्मान, शनि का अंधेरा रखते हैं, शनि की काली गुफा चीज बनाते हैं, तो ये सब चीजें सूर्य के लिए अच्छी नहीं है, वो जोन के लिए अच्छी नहीं है, उसमें दिक्कत होगी, समस्या पैदा होगी। सूर्य जो है इज जो इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ 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 दी ऑफ लाइफ या ऑफ एनी थिंग ऑन दी अर्थ। ठीक है, सूर्य अगर की जोन अगर इम्बैलेंस है, कट कट गई है फ्लोर पे या पूरा नहीं है, तो ऐसे में इंसान जो है रिस्पॉन्सिबल नेचर का हो जाता है। उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी आती है, वो फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, अपनी फैमिली को सीरियसली नहीं लेता, या लोगों को सीरियसली लेता, या अपने एटीट्यूड में उसके एक एक जो है उसके एटीट्यूड में एक इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर पैटर्न का नजर आना आता है या दिखाई देता है। यही सूर्य अगर एक्सटेंडेड हो जाता है तो ऐसा व्यक्ति, ऐसे घर में रहने वाले लोग डोमिनेटिंग नेचर के हो जाते हैं, अथॉरिटेटिव नेचर के हो जाते हैं, दूसरों की बातों को ओवरलुक करते हैं, आउटलुक करते हैं, और अपने हाथ पे हर समय कंट्रोल लेना चाहते हैं, हर प्रकार को अपने हर चीज को अपने ही तरीके से समझना चाहते हैं। अगर सूर्य की देवता फिट इम्बैलेंस हो जाती है तो
तो अगेन ऐसे में नेम फेम का नुकसान होता है, लोगों की एक मार्केट वैल्यू ब्रांड वैल्यू बाजार में नहीं बन पाती, लोग उन पर विश्वास नहीं कर पाते, लोग उनसे कनेक्ट नहीं कर पाते, ऐसी दिक्कतें पैदा हो जाती है। सूर्य जो है अपने आप में एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट भी है, यहाँ पे अगर एक सूर्य की ब्रास की प्रतिमा लगा दी जाए तो इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन जो प्रतिमा सूर्य देव की होती है वो हमेशा 7 फुट की हाइट से ऊपर लगाई जाती है, तो ऑन द 7 फीट हाइट अगर यहाँ पे लगाई जाए तो एक अच्छा हमारे को रिजल्ट प्रदान करती है ब्रास की प्रतिमा। वैसे ब्रास की जगह पे कॉपर की बनाए तो ज्यादा बेटर बनता है, क्योंकि कॉपर इज ए बेटर मेटल फॉर सूर्य, सूर्य का जो मेटल है वो कॉपर डिनोट करता है। ब्रास एक यूनिवर्सल मेटल है जो स्टेबिलिटी का कारक है, तो ब्रास जो है अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ब्रास के साथ अगर सूर्य की लगाई जाती है तो वो भी बैलेंस करती है, तो दैट्स बोथ वेज इट हेल्प्स। अगर कॉपर के साथ लगाई जाती है तो वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे फायर बढ़ती है, तो अगर उस जोन की फायर वीक है, वो जोन वीक है, उस जोन के अंदर कमी आ रही है, तो कॉपर की लगाई जाए। अगर वो जोन एक्सटेंडेड है, वो जोन में स्टेबिलिटी नहीं है, लोगों के अंदर एक धैर्य नहीं है, एक पेशेंस नहीं है, तो इनस्टेबिलिटी का फैक्टर आ रहा है, तो ब्रास की प्रतिमा लगाया, क्योंकि ब्रास जो अर्थ एलिमेंट है उससे जो स्टेबिलिटी फैक्टर बढ़ता है। ऐसे में सूर्य की देवता फील्ड पे अगर किसी प्रकार का मतलब ऐसा समझ लो कि जो मतलब अगर इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है, तो सूर्य की जो देवता फील्ड है वो हमारे हमारी जो फोर्थ फादर है उनको भी रिप्रेजेंट करती है, तो ऐसे में ऐसे मकान में ऐसे घर में लोग जो है अपने पिता या पिता समान जो लोग हैं उनकी आदर सत्कार नहीं करते, उनका उनका देखभाल नहीं कर पाते, या एंसेस्टर्स का आप कह सकते हैं कि अपने एंसेस्टर्स की तरफ उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो वीक होता है, वो स्ट्रांग नहीं होता। सूर्य की जो देवता फील्ड है वो इट्स ए देवता फील्ड विच इज लाइक दी मतलब जैसे कि गर्भ में से निकलता हो सूर्य, जैसे गोल्डन एग की तरह, तो इस टाइप से ये प्रतिमा फील होती है। सूर्य जो है एक पावर स्ट्रेंथ, ऐसी पावर स्ट्रेंथ है जो कि लेजीनेस को डिस्ट्रॉय करती है, डार्कनेस को डिस्ट्रॉय करती है, अंधेरे को उजाले में बदलती है, और जो सुस्ती है उसको फुर्ती में बदलती है। सूर्य की वो देवता फील्ड है। सूर्य जो है नेचुरल फॉर्म ऑफ अग्नि है, सूर्य नेचुरल फॉर्म ऑफ अग्नि है, तो इसमें अग्नि की क्षमता, अग्नि की जो तेजी है, अग्नि की जो उसमें इग्नाइट है, जो अग्नि का ल्यूमिनियस है, जो अग्नि की रोशनी है, जो अग्नि का फायर है, जो अग्नि की गर्मी है, जो अग्नि का तेज है, जो अग्नि का ओजस है, ठीक है, वो इसमें दिखाई देता है। तो ऐसे लोगों के घर में जिसके घर में सूर्य बैलेंस होगा, ये सब चीजें एक अच्छे से मजबूती से दिखाई देंगी। जिसके घर का सूर्य इम्बैलेंस होगा, ये अगर हुआ होगा, वीक होगा, तो ये तेज ओजस, ये फायर, अच्छा फायर नहीं नजर आएगा। सूर्य अगर बड़ा हुआ होगा तो वहां पे आक्रामकता बहुत ज्यादा होगी, हर बात पे तेजी होगी, हर बात पे हीट एक्सचेंज होगी, हर बात पे लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है, वो बढ़ा देगा। सूर्य की देवता फील्ड पे अगर गेट आ जाता है तो गेट जो है वो हीट एनर्जी लाइट को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसे घर के अंदर सूर्य की देवता फील्ड E5 का गेट चीजें कई जगह अच्छी लाएगा, लेकिन लोगों में शॉर्ट टेम्पर्ड अग्रेसिव बिहेवियर को लाएगा, क्योंकि जो गेट होती है वो एनर्जी को खोल देती है, वो प्रवेश द्वार है। किसी भी जगह का गेट जो है वो प्रवेश द्वार को रिप्रेजेंट करता है। जब गेट खुल जाता है तो प्रवेश एंट्री ऊर्जा जो है प्रवेश होनी शुरू हो जाती है, जिसके वजह से वहां पे उसकी जो देवता फील्ड की एनर्जी है वो बढ़ जाती है, उसमें बहुत विस्तार आ जाता है। अब E5 की जो देवता फील्ड है उसको एनर्जी है, तो ऐसे में लोगों में शॉर्ट टेम्पर्ड अग्रेसिव बिहेवियर बढ़ जाएगा जो लोग वहां पे रहते हैं, जो लोग वहां से रिलेट करते हैं। हाउएवर ये एक अच्छी पॉइंट इसमें ये आता है कि सूर्य की देवता फील्ड पे गेट खुले, ताकि उन लोगों में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी स्ट्रांग होता है, स्ट्रेंथ स्ट्रांग होती है, लेकिन साइड इफेक्ट ये है कि वो लोग शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं। अगर सूर्य को और रिलेट किया जाए तो सूर्य जो है एक इंस्टीट्यूशन अपने आप में हेड है, क्योंकि सूर्य जो है आकाश मंडल का एक वो प्लैनेट है जिसके बिना जीवन नहीं है, तो
ये हेड है, ये पूरा मतलब एक संस्था का हेड ये भी माना जाता है, तो इसको भी सूर्य संस्था के हेड से हम डिनोट कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। हाउएवर व्हाइल सेइंग दिस इट डज नॉट मीन कि यहाँ पे सीईओ को बिठाया जाए, क्योंकि यहाँ पे जब सीईओ को बिठाया जाएगा तो वो व्यक्ति आक्रामक होगा, एग्रेसिव होगा, वो व्यक्ति जल्दी चिड़चिड़ा जाएगा, वो व्यक्ति के अंदर पेशेंस लेवल कम हो जाएगा, जिससे कि लोग उससे खफा होंगे, लोगों में उससे दिक्कत होगी, तो लोग उससे कटना शुरू हो जाएंगे। यही सूर्य की देवता फील्ड अगर इम्बेलेंस हो जाती है तो यहाँ पे रहने वाले लोग लोनलीनेस महसूस करते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वहां से लोग समाज से कनेक्ट नहीं करते, अपने अंदर तेज की कमी पाते हैं, जिससे पब्लिक इंटरेक्शन भी वीक हो जाती है यहाँ पे रहने वाले लोगों का। सूर्य जो है आत्मकारक प्लैनेट है, सूर्य कंट्रोलर है, सूर्य ऑब्जर्वेशन पावर है, सूर्य फाइट फास्ट साइटनेस का कारक है, सूर्य जो है एक ग्रेट कंट्रोल ग्रेट ऑब्जर्वेशन है। सूर्य को सात घोड़ों पे दर्शाया जाता है, तो सात घोड़ों की प्रतिमा वाला सूर्य भी वहां पे लगाया जा सकता है। सूर्य का जो डोर होता है वो शॉर्ट टेम्पर होता है, अग्रेसिव डोर होता है, अग्रेसिव बिहेवियर क्रिएट करता है। यहाँ पे अगर किसी अधिकारी को बिठाया जाता है तो अधिकारी जो है वो मतलब अधिकारी को ऐसा लगेगा कि एनवायरमेंट कंट्रोल में नहीं है, या वो खुद कंट्रोल में नहीं रह पाएगा, क्योंकि सूर्य एनर्जी के साथ वो मैच दिक्कत दे सकता है। यहाँ पे भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो भी लगाई जा सकती है इस देवता फील्ड पे। कॉपर का ब्रास का सूर्य लगाया जाता है, ये मैंने आपको बताया ही है। फायर एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करता है, अगर फायर वीक होती है तो कॉपर का लगाया जाए, अगर फायर ज्यादा हो जाती है तो ब्रास का लगाया जाए, ताकि वहां पे बैलेंस क्रिएट कर सके। यहाँ पे जो किचन अगर यहाँ पे आती है तो किचन जो है यहाँ पे एक एग्रेशन को दर्शाती है, एग्रेसिव बिहेवियर को दर्शाएगी। यहाँ से आने वाली किचन व्यक्ति जो है अपने कामों में पैसे दे के काम करवाएगा, क्योंकि उसके अंदर एक अननेसेसरी का एग्रेशन पैदा होता है, जिसकी वजह से उसके काम बनते बिगड़ते बिगड़ जाते हैं, और जिसको कि फिर वो मॉनेटरी सहायता से उसका बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे किचन आई हुई एक एक फालतू का एग्रेशन पैदा करती है। इंसान बोलता है ईस्ट की किचन अच्छी होती है, ईस्ट की किचन जो अच्छी होती है, लेकिन ईस्ट की किचन अनवांटेड एग्रेशन भी पैदा करती है, जिससे बनते बनाए काम भी बिगड़ने की संभावना बढ़ाती है। यहाँ पे ऑरेंज कलर जो होता है एक पॉजिटिव रिजल्ट पैदा करता है। अगर ये सूर्य की देवता फिर इम्बैलेंस हो जाती है तो ऐसे घर में, ऐसे घर के लोगों में नॉर्मली अडल्ट्रियस एक्टिविटी के लिए जो ड्राइव चाहिए, जिसको सेक्सुअल ड्राइव बोला जाता है, उसमें भी कमी आ जाती है। सूर्य जो है सिस्टमैटिक है, एक ऑर्गेनाइज्ड है। अगर सूर्य जिसका बिगड़ा होगा वो घर सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज नहीं होगा, या फिर वो होम दफ्तर ऑफिस कार्यालय जो है एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर रूप में ऑर्गेनाइज तरीके से देखने को नहीं मिलेगा। सूर्य की देवता फील्ड पे अगर गेट आता है तो इस गेट का मैंने आपको एटीट्यूड बताया कि शॉर्ट टेम्पर अग्रेसिव एटीट्यूड इस गेट को आप डिनोट कर सकते हो। सूर्य की देवता फील्ड के ऊपर, सूर्य की देवता फील्ड के जो ईस्ट की देवता फील्ड है, यहाँ पे टॉयलेट सेफ्टी टैंक इज एब्सोल्यूट नो, स्टोर रूम टॉयलेट सेफ्टी टैंक, सर्वेंट रूम, बार, सिक्योरिटी गार्ड रूम, ये सारी चीजें एक्टिविटी, किचन भी, किचन, ये दीज आर ऑल नो एक्टिविटीज। व्हाट इज पॉसिबल, बेडरूम, ड्राइंग रूम, गेस्ट रूम, डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, फैमिली लॉन्ज, और स्टेयरकेस आप यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हो, स्टेयरकेस, पूजा रूम, दीज आर ऑल पॉजिटिव परमिसेबल एक्टिविटीज यहाँ पे बन सकती है सूर्य की देवता फील्ड के ऊपर। एज आई सेड, टॉयलेट आता है तो मना है, ग्रीन कलर से बैलेंस होगा। किचन आती है तो मना है, ग्रीन कलर के स्टोन से बैलेंस होगा। सेफ्टी टैंक आता है तो मना है, ग्रीन कलर से बैलेंस होगा। अगर ओवर टैंक आता है तो मना है, ग्रीन कलर से बैलेंस होगा। ग्रीन कलर से मेरा मतलब स्टेनलेस स्टील भी है, स्टेनलेस स्टील से बैलेंस होगा। अंडरग्राउंड वाटर टैंक आ जाता है तो इट इज ओके, इट कैन गो। अगर इस देवता फील्ड का जो कलर बैलेंसिंग एनहांसिंग कलर है वो ब्लू है, विच इज एल्यूमिनियम सिल्वर, सब अपना कलर इसका ग्रीन है, टीन सिल्वर, टीन स्टेनलेस स्टील। जो एग्जॉस्ट कलर है वो रेड है, कॉपर है। जो डिस्ट्रक्टिव कलर है इसका वो व्हाइट है, आयरन है। ये इसके सूर्य के कलर कॉम्बिनेशन है। और जोन के बिहाफ पे तो मैं आपको बता चुका हूँ पहले, और इसके अंदर सूर्य की, हाँ सूर्य के आप जो है सूर्य को अल्टरनेट नेम में आदित्य के नाम से या रवि के नाम से भी जाना जाता है। रवि को भी, रवि भी सूर्य को डिनोट करता है, आदित्य भी सूर्य को डिनोट करता है, या भास्कर के नाम से भी सूर्य को जाना जाता है। तो ये सारे नाम सूर्य के ही है। सूर्य अपने आप में प्लैनेट है। सूर्य का जो एट्रीब्यूट है वो कंट्रोलर का एक्टिव्यूट है। सूर्य इज ए कंट्रोलर,
और जो एग्जीक्यूटर का रोल है, एक सूर्य जो है एक एग्जीक्यूटर है, ठीक है। सूर्य जो है सूर्य का जो ग्रॉसरी है वो गेहूं और क्या बोलते हैं ये पीला टीका होता है ना इसको, शेफ्रॉन कलर जो, हाँ जो 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 नरीन जी के पीछे है शेफ्रॉन कलर, शेफ्रॉन बेसिकली शेफ्रॉन इटसेल्फ, ठीक है। तो इसको वहां पे ग्रॉसरी में ऐसे यूज किया जाता है गेहूं को और केसर को, केसर को सफ्रॉन बोलते हैं ना, केसर सफ्रॉन एक ही बात हुई, तो केसर को वहां पे यूज किया जा सकता है एज ए ग्रॉसरी। ये सूर्य के एट्रीब्यूट्स है, ये सूर्य के। अब सूर्य मान लो यही किसी कॉमर्शियल फील्ड के ऊपर आ जाता है, मान लो सूर्य ये किसी के फैक्ट्री में सूर्य की देवता फील्ड को हम लेट करेंगे, तो वहां पे मान लो आप इस बात को ऐसे समझ लो किसी फैक्ट्री में हम गए, किसी फैक्ट्री के सूर्य की देवता फील्ड का हमने निरीक्षण किया और ये माना कि उस फैक्ट्री में उस देवता फील्ड पे रखा हुआ औजार या रखी हुई चीजें जल्दी जल्दी बिगड़ जाती है, उनमें एक्सेस हीट हो जाती है, यानी कि वो चीजें में वहां पे जो है मशीनरी जो है वहां पे काम ठीक से नहीं कर पा रही है, तो सूर्य की देवता फील्ड वहां पे बैलेंस करने में करनी पड़ेगी, क्योंकि मशीन की ओवर हीटिंग की। मान लो किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए या इलेक्ट्रॉनिक चीजों में गए, वो बोलता है जी मेरे यहाँ चीजें जो है यहाँ पे रखी चीजें में हीट जल्दी पैदा होती है, अपनी फंक्शनिंग परफॉर्मेंस वीक करती है, उसकी जो है कैपेसिटी नहीं इतनी काम कर रही, तो सूर्य की देवता फील्ड वहां पे चेक की जा सकती है। इसी तरीके से किसी दफ्तर में गए, वहां के दफ्तर में लोगों का जो बिहेवियर है वो बहुत एरोगेंट है, बहुत एग्रेसिव है, एक दूसरे से बात करते करते भी एक एग्रेशन रहता है, हर व्यक्ति अपने आप में राजा की तरह संबोधित करता है कि मैं ही राजा यहाँ का, तो सूर्य की देवता फील्ड को रिलेट किया जाता है। इसी तरीके से किसी हम किसी के घर में गए, वहां पे सूर्य की देवता फील्ड पे दरवाजा खुला हुआ है, तो वहां पे आप ये मान के चलो घर के सारे लोग ज्यादातर लोग शॉर्ट टेम्पर्ड या अग्रेसिव बिहेवियर की पहचान उनकी वहां की देखी जा सकती है। तो ये सूर्य के एट्रीब्यूट्स है, सूर्य के ये कनेक्ट है।